डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स स्टार्ट टुडे अवर हिंदी सब्जेक्ट। आज हिंदी का हम नया वर्ण सीखेंगे जिसका नाम है ह। और यहाँ पे आपको चित्र भी दिखा है ह से, ह थे ली, यानी अब बीच का पार्ट देख रहे हैं ना, जो ये पूरा पाम, ह से हथेली। और इंग्लिश में ह का होता है एच ए ह। ये बड़ा सा चित्र ह का कैसे लिखते हैं ये। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट डॉट ज्वाइन करते हुए ट्रेसिंग कंप्लीट करना है। ह थे ली, यहाँ पे ह करना है हमें पूरा। और इंग्लिश में पाम, पी ए एल एम, पाम। अब सीखेंगे कि ह कैसे करना है। स्लीपिंग लाइन, फिर एक थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, और फिर स्टैंडिंग लाइन के बाद जैसे ऐसे थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन करके थोड़ा सा सी वाला शेप दे देना है। फिर यहाँ से एक नीचे से और एक सी कर देना है, हो गया आपका ह। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और जैसे आप अपना एस करते हो ना इंग्लिश का, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट है ना हाफ पार्ट एस का, तो यहाँ से आप ऐसे नीचे ले जा सकते हो। अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की ओर। ह को ह के साथ जोड़ो, जॉइन ह विथ ह। तो यहाँ पे ह लेटर है और ये बड़ा वाला ह, तो इसको और इसको ज्वाइन करना है, यानी जितने भी ह है इसके साथ हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे ये भी ह है और ये भी ह है, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करना है ऐसे करके, ठीक है। और ये आपने ज्वाइन किया, और यहाँ से एरो की, ये और दोनों ह सेम है, ये है ड, फिर से ह, यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करके एरो कर देना है। फिर इसके नीचे छोटी ई, ज, ह, फिर से ह और ह ज्वाइन करना है, तो ये हो गया ह। उसके पास एक और क्वेश्चन, ह पहचान कर सर्कल बनाओ, एंड सर्कल ह, यानी ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइन में जहाँ भी आपको ह दिखे उसको सर्कल के अंदर करना है, यानी ह सर्कल के अंदर करके दिखाना है। जैसे ये ह है, ह को आसपास सर्कल करके ह सर्कल के अंदर, फिर सेकंड लाइन में फिर से ह को सर्कल के अंदर, थर्ड लाइन में ह को सर्कल के अंदर, यानी जहाँ आपको ये वर्ण दिखे उसको सर्कल के अंदर करना है आपको, फिर से ह को सर्कल के अंदर, फिफ्थ लाइन में भी ह को सर्कल के अंदर। तो ये हो गया ह लेटर को सर्कल के अंदर। उसके पास का एक क्वेश्चन है नीचे, ह से अलग वर्णों को क्रॉस करो, क्रॉस द लेटर्स अदर देन ह। ह के अलावा जो भी लेटर वर्ण है उसके ऊपर एक्स करना है और दिखाना है कि ये ह नहीं है। जैसे ये दो लाइन में ये ह ड, तो ड के ऊपर एक्स, ह ट के ऊपर एक्स, छोटी ई इसके ऊपर एक्स, दूसरी लाइन में ह, फिर ये है ठ, ठ के ऊपर एक्स, ह ज, ज के ऊपर एक्स, और ये ह ऐसे रहेगा। तो जो ह वर्ण है जो हमारा आज का, वो सबसे अलग दिखेगा। उसके पास एक और क्वेश्चन है, ह के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन लेटर ह। तो शब्द में से ह देख के उसके नीचे एक लाइन करना है, जैसे ह व न, ह को नीचे लाइन करके अंडरलाइन लेटर ह हो गया। ल ह र, ह के नीचे लाइन, ह स न, ह के नीचे लाइन। वैसे ही दूसरी लाइन में प ह च न, ह के नीचे लाइन, गिल हरी, ह के नीचे लाइन, महल, ह के नीचे लाइन। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो ये ह जो आज का नया वर्ण हमारा, और यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, आपको
ट्रेसिंग करना है, डॉट डॉट ज्वाइन करते, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से और एक छोटा सा इस तरह से हाफ एस कहो आप वो भी ठीक है, और फिर उसके नीचे से आपको एक सी ऐसे करके नीचे की लाइन तक लाना है, ठीक है। वैसे ही दूसरा हम करेंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और यहाँ से ऐसे करके सी, और यहाँ से एक सी करते हुए नीचे की लाइन तक लाना है। फिर से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर छोटा सा सी और नीचे से आपको एक सी करते हुए यहाँ लाना है नीचे की लाइन। अब यहाँ पे दो जो बॉक्स है नहीं किया है तो हमको करना है, कैसे करना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन जैसे सिखाया था, फिर थोड़ा सा स्लीपिंग लाइन, थोड़ी सी सी जैसा शेप और यहाँ से सी करते हुए नीचे लाना, हो गया आपका हॉ। फिर से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर थोड़ा सा सी जैसा और यहाँ से सी करते हुए नीचे तक आपका हॉ, तो ये हो गया आपका हॉ। तो सेम वे आपको नीचे की लाइन में डॉट डॉट ज्वाइन करके ट्रेसिंग कंप्लीट करना है और ये 1, 2, 3 बॉक्स में आपको खुद हॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का नया वर्ण टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और 1 टाइम नोटबुक में भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।